मेरी बेटी को बेरहमी से मारा है, वैसे बदला मिलना चाहिए और कोशिश करे गवर्नमेंट कि जहां पर मारा है वहीं पर फांसी दिया जाए। कभी कभी वो तो पिस्तौल भी लगा देता था। क्या कहता था वो? ये कहता था गोली मार दूंगा अगर किसी को बताओगे तो, किसी को बोलोगे तो। भीम आर्मी और हम सभी लोग जितने भी हैं आज भी हम लोग परिवार के साथ हैं। पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। दिल्ली पुलिस से भी मेरा कहना है, जो नशे से लेकर तमाम सारी चीज़ें इस प्रदेश के अंदर परोसी जा रही हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, मैं शिखा भी, मैं सहावा देरी में मौजूद हूँ। ये उत्तर पश्चिमी दिल्ली में पड़ता है और आप लोगों को मालूम होगा कि साक्षी मर्डर केस यानी कि साक्षी की हत्या यहीं हुई थी, साहिल के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं, हमने आपको पहले भी दिखाया था, लेकिन उस दिन जब हम लोग यहाँ पे कवर करने के लिए आए थे तो पीड़ित के ना माता थे ना ही पिता थे, वो लोग हरिद्वार गए हुए थे। लेकिन आज यहाँ पे आपको बता दें कि ये साक्षी का घर है, अभी खुला हुआ है, उस दिन ताला लगा हुआ था। आज आपको बता दें कि भीम आर्मी वाले यहाँ आए हैं, तमाम लोग आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, अपने अपने दुख जाहिर करने के लिए। लेकिन आज आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं, भीम आर्मी के चीफ, और कुछ लोग अंदर में हैं उसके मेंबर, तो हम लोग उनसे चल के बात करेंगे और पीड़ित के पिता से भी बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भीम आर्मी के कुछ लोग मौजूद हैं और ये हैं पीड़ित के पिता। हम इनसे बात करेंगे कि तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, सब लोग अपनी अपनी दुख जाहिर कर रहे हैं। क्या लग रहा है, संतुष्ट हैं कि लोग, आपको क्या चाहिए कि लोग आपको संतावना दे के जा रहे हैं, आपकी क्या मांग है सरकार से? देखो जी, हमारे तो यही मांग है कि उसको फांसी की सजा दो और जैसे मेरी बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे बदला मिलना चाहिए और कोशिश करे गवर्नमेंट कि जहां पर मारा है वहीं पर फांसी दिया जाए। तो आपने सुना कि ये चाह रहे हैं कि जहां पे मारा वहीं पे फांसी की सजा दी जाए, लेकिन जो लोग आए हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि तमाम सबूत जो है उसके खिलाफ में फिर भी अभी तक फांसी नहीं दी गई है, ना ही कुछ सुनाया जा रहा है। और टीवी अखबारों में अगर देखेंगे तो कभी चाकू, कभी लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि लव जिहाद हुआ है। देखो मैम, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है कि लव जिहाद हुआ या कैसे हुआ, लेकिन यह है कि वो धमकाता रहता था हमारे को भी। आपको भी धमकाता था? हमको भी धमकाता था, कभी कभी वो तो पिस्तौल भी लगा देता था। क्या कहता था वो? यह कहता था गोली मार दूंगा अगर किसी को बताओगे तो, किसी को बोलोगे तो। चंद्रशेखर आजाद जो है वो आने वाले, हम इन लोगों से बात करेंगे कि तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं, आप लोग क्या कुछ कहेंगे जो लोग आके जा रहे हैं? हम सभी लोग भीम आर्मी से हैं, भीम आर्मी से हम सभी साथी हैं, हमारी टीम और हम सब लोग पीड़ित परिवार से जब ये इंसिडेंट हुआ उसके अगले दिन से ही इससे जुड़े हुए हैं, इस इंसिडेंट से। मगर सच्चाई यह है, जिन्हें यहाँ राजनीति करनी थी, जिन्हें यहाँ लव जिहाद करना था, एक साधारण आदमी जिसके बच्चा ख़त्म हुआ उसको क्या लव जिहाद पता है, समझे? उसको क्या पता है कि ये सब चीज़ें क्या है क्या नहीं। तो सच्चाई ये है, जिनको अपना राजनीति करनी थी, जिसको यहाँ पे वोटों का पोलराइजेशन करना था, इस देश के जो इस दिल्ली में जो आपसी भाईचारा है, जो स्वार्थ है, जो वो ख़राब करना था वो करके जा चुके हैं। मगर भीम आर्मी और हम सभी लोग जितने भी हैं आज भी हम लोग परिवार के साथ हैं, क्योंकि मैं जितने भी आंदोलन देखता हूँ, जितने भी इस तरीके की घटनाएँ देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि लोग जब इंसिडेंट होता है तो अब तो चले जाते हैं, समझे? तमाम तरीके की भाषण और तमाम तरीके का जो उन्हें जिस एंगल देना होता है, जो उनके हिसाब से उनको राजनीतिक तौर पे जो उनको सहूलियत होती है वो उसको देते हैं, मतलब आप मगर ये उसके कह रहे बाद हैं? जो है कोई परिवार से मिलने तक नहीं जाता। मतलब आप ये कह रहे हैं जो टीवी में दिखाया जा रहा है लव जिहाद का एंगल, उसको आप गलत ठहरा रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि ये आम जन को ये बात पता भी नहीं है कि ये क्या है, समझे? जैसा आपने इनसे भाई साहब से पूछा, अभी इन्हें पता भी नहीं, इनकी बेटी ख़त्म हुई है, अब उसको आप इसे लव जिहाद बताओ, आप इसको किसी तरीके का प्रोपगंडा बताओ, तो वो सब चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। और रही बात दोषी के खिलाफ कार्रवाई की, दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश के अंदर भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के आधार पर ही पहले भी बहुत सारे लोगों को फांसी हुई है, दिल्ली में भी पहले जो है निर्भया के केस में भी फांसी हुई है। तो बिना जात और धर्म छोड़ के, उससे परे हट के, जैसा हाथरस में हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सच में जो है उनको
उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आपने हथरस की बात कही तो मैं आपको बिल्किस बानो की भी बात याद करा देती हूँ, उसके भी आरोपी को छोड़ दिया गया। बिल्किस वही मैं कह रहा हूँ, बिल्किस बानो हो चाहे इस देश के अंदर मॉब लिंचिंग के नाम पे तबरेज अंसारी को मार दिया जाता हो, चाहे अभी तक खालिद और जुनेद को मार दिया गया हो, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं, उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं? आप लोग तमाम जगह जाते हैं, जैसे कि अभी महिला पहलवानों के वहाँ पे भी आप गए थे, लेकिन उनको भी अभी न्याय नहीं मिला। क्या लग रहा है इसको न्याय मिलेगा, जब सारे सबूत गवाह उसके खिलाफ है आरोपी के, फिर भी सजा नहीं मिल रही है, क्यों? देखिए बहन जी, आपने जिस तरह से अभी बताया ये बात कि अब इतने दिन हो गए हैं अभी तक फांसी नहीं हुई है, कानून का अपना एक दायरा है, समझे, उसे सजा देने में, उसे सजा सुनाने में समय लगता है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस केस में भी जो है, जिस तरह से राजस्थान में हुआ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस हुआ, जिस तरह से बिल्किस बानो हुआ, जुनेद अंसारी हुआ, उस तरह का व्यवहार यहाँ नहीं रखा जाएगा, और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। दिल्ली पुलिस से भी मेरा कहना है, जो नशे से लेकर तमाम सारी चीज़ें इस प्रदेश के अंदर परोसी जा रही हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि शासन प्रशासन की नाक के नीचे ये सब काम होते हैं, सबको ये बात पता होती है, प्रशासन को बीट का ऑफिसर होता है उसको सारी बात पता होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी खुल के आएंगी। चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे उनसे? मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप जो है जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए आरोपी को, और सारा कुछ सबूत गवाह सब कुछ है, फिर भी उसको फांसी नहीं मिल रही है। देखिए सवाल वहीं पे आगे खड़ा हो रहा है कि सबूत गवाह सब कुछ उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी फांसी की सजा नहीं मिली। जैसा कि इन्होंने कहा भीम आर्मी के सदस्य ने कि कानून प्रक्रिया में वक्त लगता है, तो हम लोग उस वक्त का इंतजार करेंगे कि कब जो है उसको फांसी की सज़ा मिलती है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 2024 के चुनाव की तरफ, जब तक 2024 का चुनाव नहीं, ये मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव के लिए ये किया जा रहा है ये। हालाँकि कुछ देर में यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले हैं, तो हम लोग अभी ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमने बताया कि क्या मांग है इनके पीड़ित के पिता के। जो लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद का एंगल है, तो इन्होंने साफ कह दिया कि लव जिहाद का एंगल नहीं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। तो हम लोग एक बार और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे तमाम लोग हैं, और ये जो है गली है, ये हम लोग घर के बाहर हैं, ये देखिए सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और जो आए हुए हैं यहाँ पे भीम आर्मी के लोग, और हम लोग फिर जब चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं फिर हम उनसे इंटरव्यू करेंगे। तब तक के लिए आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है?